हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था के अंतर्गत एकक सेल के घनत्व के बारे में, यानी कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अर्थात किसी भी एकक सेल का घनत्व क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एकक सेल का घनत्व क्या है और इसमें कैसे वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, तो आज के वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान अपान आयतन। ठीक है, घनत्व को अगर हम चाहें तो डी से इंडिकेट करें तो डी बराबर हो जाएगा एम अपान वी, यानी कि द्रव्यमान को एम से और आयतन को वी से। ठीक है, तो ये आप फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं घनत्व के बेस पर कि घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान अपान आयतन। यानी कि अगर आपको घनत्व तो निकालना है एकक सेल का, तो आपको दो चीज़ें क्लियर पता होनी चाहिए कि एकक सेल का आयतन क्या है और ये पता होना चाहिए कि एकक सेल का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो आप उस एकक सेल का घनत्व तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा बात करते हैं कि घनत्व तो क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। ठीक, तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व तो कहलाता है, यानी कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी परिभाषा है, घनत्व के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपका आयतन है और उसमें जो भी आप भार या द्रव्यमान इस्तेमाल किए हैं उसी पर आपकी डेंसिटी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, एकक सेल का घनत्व निकालना था। तो एकक सेल का घनत्व निकालने के लिए हमें आयतन पता होना चाहिए और द्रव्यमान पता होना चाहिए। ठीक, तो अगर हमें एकक सेल का सबसे पहले आयतन पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो घन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये घन है और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लिया जाए घन की ये भुजा ए है, तो ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ये ए ही होगी। और ऑलरेडी हमें पता है कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। ठीक है, तो अगर घन का आयतन ए क्यूब है तो एकक सेल का आयतन भी क्या होगा, ए क्यूब ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से आयतन पता हो जाएगा कि ए क्यूब होगा। अब इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी पदार्थ के मोल का जो द्रव्यमान होता है ना, यानी कि किसी पदार्थ के जो मोल का द्रव्यमान होता है उसे हम किसके बराबर समझते हैं, तो मोलर द्रव्यमान के। तो मोलर द्रव्यमान को स्मॉल एम से दर्शाया जाता है और मोलों का जो द्रव्यमान होता है उसको एन ए से दर्शाया जाता है। और ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक मोल बराबर वैल्यू होती है 6.023 × 10³। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे कि एकक सेल का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो एकक सेल का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एन ए परमाणुओं का द्रव्यमान, तो एन ए परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर मान लेंगे एम ग्राम। ठीक, यानी कि जो आपका एक मोल है वो है आपका एन ए परमाणुओं के बराबर, तो एन ए परमाणुओं का द्रव्यमान मान लेंगे कितना है, एम ग्राम। ठीक, तो इस तरीके से अगर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा एम अपान एन ए। ठीक, तो ये आपका एन ए नीचे आ जाएगा तो वैल्यू आएगी एम अपान एन ए। और इसी प्रकार अगर हमें जेड परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना हो तो जेड परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा जेड इंटू एम अपान एन ए। चूँकि जो आपका घन होता है उसके अंदर जो कॉर्नर होते हैं या सेंटर होते हैं या फेस होते हैं वहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, परमाणु मौजूद होते हैं, और परमाणुओं को यहाँ पर जेड से दर्शाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जेड परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा जेड इंटू एम अपान एन ए। अतः क्या करेंगे कि एकक सेल का द्रव्यमान निकालेंगे, तो एकक सेल का जो आपका द्रव्यमान होगा वो होगा जेड एम अपान एन ए। तो इस तरीके से हमें दोनों वैल्यू क्लियर पता चल चुकी हैं कि आयतन जो आपका एकक सेल का होगा वो होगा ए क्यूब और जो एकक सेल का द्रव्यमान होगा वो होगा जेड इंटू एम अपान एन ए। तो फाइनली हम क्या करेंगे, एकक सेल का घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी या रो बराबर वैल्यू रख के सूत्र प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर d बराबर क्या आ जाएगा, फार्मूला जेड इंटू एम अपान ए क्यूब एन ए। ठीक, तो ये आपका हो गया फाइनली फार्मूला कि अगर हमें किसी भी एकक सेल का घनत्व निकालना है तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा।
अब जैसे यहाँ पर पता करा जाए कि d क्या है, तो ये आपका एकक सेल का घनत्व हो जाएगा। z क्या है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हो जाएंगे, यानी कि परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। m क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान। a, तो यहाँ पर a क्या है, तो घन का आपका आयतन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कोर की लंबाई बोल सकते हैं। और ये आपका जो Na क्या है, वो आपका एवोगाड्रो नंबर है, यानी कि एवोगाड्रो संख्या। और इसका जो मान है वो ऑलरेडी आपको पता है कितना होता है, 6.023 × 10³, ठीक। तो इस तरीके से इसी फार्मूला के द्वारा हम किसी भी एकक सेल का घनत्व आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, उनको कैसे इसी फार्मूले के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।